कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप कैसे अपने WhatsApp मैसेजेस को शेड्यूल कर सकते हैं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमें करना होता है न्यू ईयर विश या फिर किसी को जन्मदिन की देनी है मुबारकबाद या फिर कोई इंपॉर्टेंट बात बतानी है, पर हमारे पास टाइम नहीं होता, हम बिजी होते हैं और हम मैसेज नहीं कर पाते। पर दोस्तों अगर ऐसा नहीं होगा, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने व्हाट्सएप मैसेजेस को शेड्यूल कर सकते हैं और वो समय आने पर अपने आप सेंड हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसा कर सकते हैं और अब इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी जन्मदिन, न्यू ईयर या फिर किसी और इम्पोर्टेंट डे का विश मिस नहीं करेंगे और समय पर अपने दोस्तों और परिवार वालों को विश कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखना जारी रखिए जानने के लिए कि आप कैसे कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप मैसेजेस को शेड्यूल। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप देख रहे हैं टेक्सेज, मेरा नाम है अखिल। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों पहला स्टेप है कि आप डाउनलोड करें व्हाट्सएप शेड्यूलर ऐप प्ले स्टोर से या फिर किसी वेबसाइट से और अपने फोन पर इंस्टॉल करें। अब आप इंस्टॉल होने के बाद ऐप को ओपन करिए। दोस्तों अगले स्टेप के लिए नीचे राइट कॉर्नर में प्लस साइन पर क्लिक करें। अब कोई व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट या ग्रुप सिलेक्ट करिए। अब टाइम और डेट सिलेक्ट करिए। फ्रीक्वेंसी में कितनी बार मैसेज भेजना है ये सिलेक्ट करें और उसके बाद अपना मैसेज टाइप करें। दोस्तों अब राइट कॉर्नर में क्रिएट पर क्लिक करिए और आपका मैसेज शेड्यूल हो जाएगा। तो दोस्तों ये था तरीका आपके व्हाट्सएप मैसेजेस को शेड्यूल करने का। आप एक से ज्यादा मैसेजेस को भी शेड्यूल कर सकते हैं, बस वो एक समय पर नहीं होने चाहिए। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे और मजेदार वीडियोस देखने के लिए। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।